दिल्ली में एक साथ दुकान पर काम करने वाले साथी ने अपने साथी को चाकुओं से गोदा। कोतवाली मोहनगंज क्षेत्र के तिलोई कस्बे का निवासी था मृतक, उसी के कमरे पर चाकू से गोद कर की निर्मम हत्या। दिल्ली के थाना क्षेत्र नंद नगरी का मामला। अमेठी में कांग्रेस पार्टी के भारत महासंपर्क अभियान कार्यक्रम का हुआ समापन। कांग्रेस महासंपर्क अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने न्याय पंचायत स्तर पर गांव-गांव पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों का किया वर्णन। शुक्ल बाजार विकास खंड के बदलगढ़ में कांग्रेस महाजनसंपर्क अभियान का हुआ आयोजन। अमेठी के शुक्ल बाजार अंतर्गत ग्राम सभा उबेर मऊ के कोटेदार व ग्राम प्रधान द्वारा कार्ड धारक के साथ किया गया अभद्रतापूर्ण व्यवहार। कोविड-19 के काल में भी नहीं दिया जा रहा कार्ड धारकों को सुचारू रूप से राशन। कोटेदार द्वारा घटतौली के साथ साथ केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर में भी की जा रही कटौती। अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला की दरिया दिली फिर सामने आई। लीवर की गंभीर समस्या से पीड़ित ने मदद के लिए जिला पंचायत सदस्य राकेश विक्रम से संपर्क किया। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला को जब यह पता चला तो उन्होंने पीड़ित के भाई को 50,000 का चेक इलाज हेतु दिया, साथ ही हर संभव मदद के लिए सांसद से बात करने का भी आश्वासन दिया। अमेठी में मां कालिका धाम के दर्शन करने जा रहे बाइक सवार नीलगाय से टकराए। बाइक पर सवार 3 लोग हुए घायल। तत्काल ग्रामीणों ने 108 की मदद से घायलों को पहुंचाया CHC अमेठी, जहां चल रहा है उनका इलाज। अमेठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत संग्रामपुर मोड़ के पास की घटना। अमेठी में बाइक सवार का संतुलन खो जाने से जमीन पर गिरा, गंभीर चोटें आई। ग्रामीणों की सूचना पर एम्बुलेंस से संग्रामपुर CHC लाया गया। शंकरपुर मजरे सरैया कनू के पास हुआ हादसा। अमेठी का बाजार शुकुल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना कुत्तों का अड्डा। मरीजों से पहले CHC में पहुंचते हैं कुत्ते। कुत्तों से मरीजों में रहता है भय का माहौल। ये आवारा कुत्ते कभी भी किसी के ऊपर कर सकते हैं हमला। कई बार शिकायत के बावजूद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। अमेठी पुलिस का सराहनीय कार्य। महिला थाने के प्रयास से वैवाहिक जोड़ा पुनः साथ रहने को हुआ राजी। अमेठी पुलिस द्वारा उनके आगामी जीवन की शुभकामनाएं दी गई। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री आवास प्लस में पात्र व्यक्तियों का नाम काटकर अपात्रों को दिए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने SDM बल्दी राय को दिया शिकायती पत्र। बल्दी राय क्षेत्र अंतर्गत पिपरी गांव का मामला। ग्राम सभा में पात्र व्यक्तियों के आवास सूची से नाम काटे गए लोगों को जोड़ने की मांग करते हुए अपात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सुल्तानपुर जनपद के चांदा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित नगर पंचायत कोयरीपुर में रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी मच गई। पूरा मामला रेलवे स्टेशन कोयरीपुर के पूर्वी गेट के मणिपुर गांव का है, जहां रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। खबर लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की हर एंगल से जाँच में जुट गई है। सुल्तानपुर जनपद के चांदा क्षेत्र अंतर्गत स्थित ब्रह्मोश्वर धाम प्रतापपुर कमैचा में पिछले एक माह से चल रहा ओम नमः शिवाय जाप का सोमवार को समापन हुआ। ओम नमः शिवाय महामंत्र जाप के समापन के उपरांत विधिवत शाश्वत रीति के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन कार्य संपन्न हुआ। मुख्य यजमान के साथ स्थानीय लोगों ने हवन पूजन किया। जाप के समापन के उपरांत आज भंडारे का आयोजन किया गया है। सुल्तानपुर जिले की चर्चित घटना, डीप फ्रीजर में 24 दिनों से रखी गई लाश। पाठक के पूर्वा गांव में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष डॉक्टर संदीप शुक्ला के नेतृत्व में उनके आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट किया। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज